नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होता है। पहले टॉपिक लिख देते हैं। ऑर्थोगोनल सेट्स, ओके। तो अब तक हमने देखा है कि अगर हमें किसी का एंगल ढूंढना है, कि दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में हमें एंगल ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढते हैं? ऐसे कॉस थीटा, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कर सकते हो बाद में। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू एक वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट वी एक वेक्टर हो गया, बाय लेंथ ऑफ यू या फिर नॉर्म ऑफ यू एंड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ वी, ठीक, करेक्ट। इस तरह से हम एक मतलब दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो हम ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। अब बात आती है कि हमें ये अच्छे से पता है, ठीक है, हमें ये अच्छे से पता है कि ये अगर मैं करूँ यू कॉमा वी, एक ऐसे मतलब इनर प्रोडक्ट, ऐसा एक फंक्शन ले लूँ, ठीक है, जहाँ पे यू एंड वी यूज़ हो रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू यू डॉट वी, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू यू डॉट वी। तो हमने ये अच्छे से देखा है, पहले ही प्रूफ करके भी हमने देखा है कि ये एक इनर प्रोडक्ट होता है, करेक्ट, ये एक इनर प्रोडक्ट होता है, ओके। तो इसलिए हम इसके जगह अभी ये यूज़ करते हैं, ओके। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू कॉमा वी, ओके, इनर प्रोडक्ट यू कॉमा वी, और ये सारे जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि u डॉट v इज इक्वल्स टू, हम ये इनर प्रोडक्ट मान सकते हैं, ये एक इनर प्रोडक्ट है, हम ये मान सकते हैं, ओके। अब हमने ये भी देखा है, हमने ये भी देखा है कि अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री आए, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्रीज आए, तो फिर ये u डॉट v इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यही एक्चुअली कंडीशन है, ये एक्चुअली एक कंडीशन है कि अगर u डॉट v डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में ज़ीरो हो जाए, तो फिर वो कहलाएंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। इस केस में भी वो कुछ इस तरह से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर u कॉमा v इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, u कॉमा v इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो जिन दो वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स के सहारे ये ज़ीरो हुआ है, ये भी एक ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल सेट्स थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होता है, एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा। पर ये समझ में आ गया ना कि अगर दो वेक्टर्स है और ये आपस में इनर प्रोडक्ट बनने के बाद वो ज़ीरो हो रहा है, तो फिर उन दोनों वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं इधर कोने में लिख देता हूँ कि क्या होगा इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सब इरेज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, लेट v इज इक्वल्स टू पी टू, लेट v इज इक्वल्स टू पी टू मतलब पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री विथ इनर प्रोडक्ट, विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड, विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय, ठीक है, विथ इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय पी कॉमा क्यू, ठीक है, पी कॉमा क्यू इस तरह से लिखना है हमें, जो कि इनर प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, ठीक है, माइनस वन टू वन जा रहा है पी एक्स क्यू एक्स डी एक्स, पी एक्स डॉट क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है,
मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच में और फिर इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसके बाद जो सब क्वेश्चन है वो ये है कि इज द सेट एन ऑर्थोगोनल सेट। क्या सेट है? सेट है एस इज इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है एक्स एंड तीसरा एलिमेंट है हाफ 3x² - 1, हाफ 3x² - 1। ठीक है, ये है सेट। हमें बताना है कि ये ऑर्थोगोनल सेट है कि नहीं। ऑर्थोगोनल सेट का भी हम अच्छे से मीनिंग देखते हैं। पहले हमें क्या करना है कि ये कोई भी दो वेक्टर्स हमें चुनने हैं इनमें से और सब्स्टिट्यूट कर देना इनमें। ठीक है, तो कर देते हैं। ठीक है, गिवन सेट ये है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पहले दो वेक्टर्स को ले लेते हैं 1, x। ठीक है, 1, x इनर प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब p अभी 1 हो गया, q x हो गया, तो इधर हमें 1 दे देना है, इज इक्वल्स टू -1 to 1, 1। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई x, q x की जगह x हो जाएगा dx। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि x² / 2 1 - 1, करेक्ट, 1 - 1 ही होगा ना। तो अभी ये हाफ अगर सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, ये इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला 0 हो गया, मतलब क्या हुआ कि ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है, इतना क्लियर हो गया, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, इन दोनों वेक्टर्स को चुनना है। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड वेक्टर्स को चुनना है। तो देख लेते हैं सेकंड एंड थर्ड वेक्टर्स के लिए, एक काम करते हैं, ये बोर्ड इधर लिख देता हूँ। तो x, ½ 3x² - 1। ठीक है, 3x² - 1, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है, 3x² - 1। सो 3x² - 1 इन दोनों को अभी प्रॉपरली इधर सब्सटीट्यूट कर देना है। तो कैसे करेंगे सब्सटीट्यूट, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, पी एक्स का जगह आ जाएगा x डॉट, क्यू एक्स का जगह आ जाएगा ये हाफ 3x² - 1 dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, हाफ को एक काम करते हैं बाहर लिख देते हैं, हाफ पहले ही बाहर आ जाएगा, 3x³ हो जाएगा ये, 3x³ - x, करेक्ट, 3x³ - x होगा ना dx, which is equals to हाफ पहली बाहर हो जाएगा, 3x⁴/4 1 - 1 माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ x² / 2 1 - 1, करेक्ट, और ये पूरा ऐसे है। तो इसका इक्वल टू क्या होगा, अभी इक्वल टू होगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लेते हैं, हाफ ये होगा 1/4, ठीक है, 1/4 माइनस 1/4 ही होगा ये, करेक्ट, ये 1/4 - 1/4, तो ये तो हो गया 0। एंड ये तो अभी हमने देखा है, देखो x² / 2 ये जब भी हम ऐसे करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, तो 0 - 0 होगा विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि पहला ये भी 0 दे रहा है, दूसरा ये भी 0 दे रहा है, और अब जो तीसरा है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी हमने ये भी सेटिस्फाई कर लिया या चेक कर लिया कि ये दोनों वेक्टर्स तो है ऑर्थोगोनल, ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स भी आपस में ऑर्थोगोनल है। अब हमें चेक करना है कि ये दो वेक्टर्स, पहला और तीसरा वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो लिखना है हमें 1, ½ 3x² - 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, 1 ½ 3x² - 1 dx, विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, 3x² - 1 dx, विच इज इक्वल्स टू हाफ 3, चाहे तो 3 को मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर x³/3 आएगा ना,
तो एक्स क्यूब वन टू माइनस वन माइनस एक्स वन माइनस वन, ठीक है, ओके, वन माइनस वन, तो क्लोज करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ, थ्री बाई थ्री तो वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस माइनस वन, ठीक है, तो टू हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस वन, तो ये भी टू हो जाएगा, तो फाइनली ये भी आ गया ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और तीसरा वेक्टर भी आपस में ऑर्थोगोनल है। तो हमने ये तीन ऐसे कैलकुलेशंस करके देख लिए कि ये सभी आपस में एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमने चेक कर लिया अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेट एस इज एन ऑर्थोगोनल सेट, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सेट एस इज एन ऑर्थोगोनल सेट। क्यों? क्योंकि उसमें से उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स है, उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स है वो सारे के सारे ऑर्थोगोनल है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, ठीक है। जब कोई ऐसा सेट आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल रहे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर प्रोडक्ट, ठीक है, जो इनर प्रोडक्ट है उसके सहारे, मतलब ऐसा नहीं कि हमने बस वो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, नहीं, जो डिफाइन किया गया है इनर प्रोडक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करके हमने अगर देखा कि वो ऑर्थोगोनल है आपस में, तब जाकर ये एक ऑर्थोगोनल सेट बनता है, क्लियर, तब जाकर ये एक ऑर्थोगोनल सेट बनता है। तो इसमें ये एक मतलब ये कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात आती है कि कुछ कुछ ऐसे मतलब छोटे मोटे ऐसे थ्योरम्स हैं, वो में हम अभी देख लेते हैं। तो देखो, पहला थ्योरम ये है कि चलो इरेज कर दो, पहले ये समझ में आ गया पूरा, क्लियर, ओके। तो देखो अभी देखो जो एक एक करके थ्योरम्स देख लेते कुछ, तो बात ये आती है कि ऑर्थोगोनल सेट, इसका मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऑर्थोगोनल सेट ऑल वेक्टर्स इन द सेट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, ये तो ऑर्थोगोनल सेट हो गया। अब बात आती है कि एक और मतलब स्टेटमेंट आता है ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या है, ऑल वेक्टर्स इन द ऑर्थोगोनल सेट, ऑल वेक्टर्स इन द ऑर्थोगोनल सेट, ठीक है, ऑल वेक्टर्स इन द ऑर्थोगोनल सेट हैव नॉर्म इक्वल टू वन, ठीक है। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब ये होता है कि सारे के सारे वेक्टर्स, ठीक है, जो कि उस ऑर्थोगोनल सेट में है, उनके लेंथ अगर वन हो जाए, ठीक है, अगर सभी उन सारे वेक्टर्स का लेंथ अगर, या नॉर्म जो भी है, दोनों एक ही चीज़ है, अगर वन हो जाए तो फिर उससे ऑर्थोनॉर्मल सेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरह से, ये सोचो अगर ये ऑर्थोगोनल सेट है तो ये हो जाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट, हर ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल सेट नहीं होता, नहीं सॉरी, हर ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल सेट होता है, पर हर ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, ओके। और जो अभी जो थ्योरम है वो ये है कि अगर सोचो कि ये S इज इक्वल्स टू वेक्टर्स 1, 2, 3 VN तक अगर हम जाए, ठीक है, VN तक अगर हम जाए, एंड ये पहली बात
पहली बात तो ये सारे एस जो है ये है एक ऑर्थोगोनल सेट, ठीक है। सबसे पहली बात, ये ऑर्थोगोनल सेट होना चाहिए, ऑर्थोगोनल सेट होना चाहिए। और दूसरी बात, ये वी एन, वी वन, टू, वी एन, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है, नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए। एस को एक ऑर्थोगोनल सेट होना चाहिए और वी वन से लेकर वी एन तक ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर एस, देन एस इज लीनियरली, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, चाहे तो एक ऐसे वीडियो भी बनाया गया है, आप चेक कर सकते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसमें मैंने बताया था, चाहे तो अभी भी बताए तो वापस, अगर वी वन और वी टू आपस में मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके ना बने, ठीक है। सोचो वी वन है, सोचो एक ऐसा वेक्टर है एस इज इक्वल्स टू वी वन कॉमा वी टू, ठीक है, सिर्फ दो है। तो अगर वी वन, वी वन को हम ना बना पाए किसी स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वी टू, ठीक है, वी टू लिया हमने, उसको हमने स्केलर मल्टीप्लाई किया, पर कोई भी स्केलर हम मल्टीप्लाई कर रहे तो वी वन नहीं बन रहा है। और सिमिलरली वी टू इज़ नॉट इक्वल टू के वी वन भी अगर हो रहा है, मतलब वी टू भी वी वन के सहारे नहीं बन पा रहा है, वी वन भी वी टू के सहारे नहीं बन पा रहा है, फिर एस इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये सारे वेक्टर्स आपस में स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करके, ठीक है, आपस में अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस करके अगर एक दूसरे को ना बना पाए, मतलब कोई भी किसी को नहीं बना पा रहा है, चाहे जितना भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन हम कर लें, नहीं बना पा रहे एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को फॉर्म नहीं कर पा रहे, मतलब अभी वी वन इज नॉट इक्वल टू के वन वी टू प्लस के थ्री वी थ्री डॉट 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 के एन वी एन, मतलब कितना भी हम कुछ भी स्केलर्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशंस बना दे, वी वन बन ही नहीं पा रहा। एंड ये सेम कहानी है सभी वेक्टर्स के साथ, ठीक है, ये सेम कहानी है सभी वेक्टर्स के साथ, तो फिर ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो वो तभी होगा जब ही एस ऑर्थोगोनल रहेगा, दूसरा वी वन से भी लेकर वी एन ये सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, क्लियर। ओके, सो नाउ अभी एक छोटा सा थ्योरम आता है, ये मैं चलो इधर ही समझा देता हूँ। थ्योरम कुछ ये है कि जीरो वेक्टर है ना, मतलब कोई ये है कि वी कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने बता दिया था कि मतलब जीरो जो है वो हमेशा हमेशा ऑर्थोगोनल रहता है, करेक्ट, जीरो हमेशा ऑर्थोगोनल रहता है जब मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में शायद बता दिया था कि जीरो वेक्टर ऑर्थोगोनल रहता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर। तो सिमिलरली ये इधर भी हम वही चीज़ लिख रहे हैं कि वी, ये एक थियरम है, ओके, ये एक थियरम है, तो वी कॉमा जीरो अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ऑर्थोगोनल ही रहेगा, ये चीज़ भी याद रखो, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये सारे के सारे पॉइंट्स। ओके, तो एक काम करते हैं, आपको एक होमवर्क दे देते हैं। ओके, सो नाउ चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो कुछ जो मैंने सॉल्व किया था उस तरह से ही है। क्वेश्चन है, लेट वी इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है रेंजिंग फ्रॉम ए टू बी विथ इनर प्रोडक्ट, विथ इनर
प्रोडक्ट, इनर्ट प्रोडक्ट उसमें ये है, मतलब वी एक वेक्टर स्पेस है जो ए से बी तक जा रहा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी तक जा रहा है, तो जो इनर्ट प्रोडक्ट हमने उस पर डिफाइन किया है वो कुछ इस तरह से एफ कॉमा जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी पी एक्स, नहीं इधर पी नहीं होगा, इधर एफ एक्स होगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। सो अभी हमें देखना है कि जो सेट में देने जा रहा हूँ वो एक ऑर्थोगोनल सेट है या नहीं, यही हमें चेक करना है। तो जो सेट है वो कुछ इस तरह से है, एस इज इक्वल्स टू वन कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है, वन कॉस एक्स साइन एक्स, एंड ये जो ए है माइनस पाई, बी है पाई, ठीक है, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन हो रहा है, एंड जो सेट है एस वन कॉस एक्स साइन एक्स। तो हमें ये बताना है कि इज एस एन ऑर्थोगोनल सेट, हमें ये बताना है। कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना कि ये है या नहीं, येस और नो से पोस्ट कर देना। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।